जिंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार तो कभी जीत होती है। तमन्ना रखो समंदर की गहराई को छूने की, किनारों पे तो बस जिंदगी की शुरुआत होती है, जिंदगी की शुरुआत होती है। लंबा सा चोंगा नुमा कुर्ता, चौड़ा पायजमा, सिर पर लंबी सी टोपी और पाँव में चरमर करती जूतियाँ, यही पहचान थी दिल्ली दरबार में शाही शायर रहे असदुल्ला खां गालिब की। गालिब सिर्फ एक नाम ही नहीं बल्कि उर्दू शायरी का वो मुकाम है जिसको पाने के लिए लोग उस वक्त भी तरसते थे और आज भी तरसते हैं। आज उन्हीं गालिब का 220वां जन्मदिन है। गालिब दरअसल उस शख्स का नाम था जो धर्म से ऊपर इंसान को समझता था। यही वजह थी कि दिवाली पर अपने माथे पर टीका लगवाने में उन्हें कोई एतराज नहीं था। एक बार दिवाली पर वह अपने हिंदू दोस्त के यहाँ मौजूद थे तो पूजा के बाद सभी को टीका लगाया गया लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया। इस पर मिर्जा ने पंडित से कहा कि उन्हें भी टीका लगा दिया जाए। उन्होंने दिवाली का प्रसाद लिया और अपने घर की तरफ चल दिए। रास्ते में उनके माथे पर लगे टीके पर जब धर्म के रखवालों ने सवाल उठाया, कहा, मिर्जा दिवाली की मिठाई खाओगे तो ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाओगे? तभी मिर्जा गालिब ने जवाब दिया कि अगर बर्फी हिंदू है तो क्या इमरती मुसलमान है? किसी फकीर की झोली में कुछ सिक्के डाले तो यह एहसास हुआ महंगाई के इस दौर में दुआएं आज भी सस्ती है। HCN न्यूज की रिपोर्ट।